कौन जीतेगा आज का मैच आईपीएल 2024 का 61st मैच जो कि खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। आपको इस वीडियो में इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और बहुत सारे रिकॉर्ड के साथ साथ दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद आपको इस वीडियो में मेरा पर्सनल मैच प्रेडिक्शन बताया जाएगा। आखिर मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, मैच को विन कर सकती है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग जरूर से देखे। चलिए आज की हमारी इस वीडियो को जो है हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फरीदी भाई के बारे में। अगर आप टॉस और मैच पढ़ना चाहते हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनका काम बहुत ही अच्छा है तो कॉन्टेक्ट जाके कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आप इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा किसी मैच को जीतने के लिए हेड टू हेड रिकॉर्ड कितना ज्यादा मायने रखता है। और इन दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, इन दो टीमों के भी जो लास्ट के 10 मुकाबला खेला गया है, 3 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग की टीम जीती है, 7 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत के आ रही है। इन दो टीमों के भी जो लास्ट मुकाबला खेला गया था 27 अप्रैल 2023 को, जिस मुकाबले में जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम जो फर्स्ट बैटिंग करते हुए चेन्नई सुपर किंग की टीम से 32 रन के अंतर से जीत गई थी। ठीक है, लास्ट मुकाबला जो कि इन दोनों टीमों के बीच हुआ था, राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां पे जीत के आ रही है। अब बात करते हैं दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म की। चेन्नई सुपर किंग की टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट के 5 मैच जो खेली है 3 मैच यहाँ पे हारी है, 2 मैच यहाँ पे जीती है। राजस्थान रॉयल्स की टीम की रिसेंट फॉर्म की बात करें, लास्ट के 5 मैच जो खेली है 3 मैच यहाँ पे जीती है, 2 मैच है बैक टू बैक यहाँ पे हारी है। अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों के टीम कंपैरिजन के बारे में, तो आपको बता दूं चेन्नई सुपर किंग की टीम लास्ट के 10 आईपीएल मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 40% विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 180 का, हाईएस्ट स्कोर है 212 का, लोएस्ट स्कोर है 141 रन का। वही अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की टीम की, राजस्थान रॉयल्स की टीम लास्ट के 10 आईपीएल मैच जो कि सभी टीमों के साथ खेली है 70% विनिंग परसेंटेज रहा है। एवरेज स्कोर है 185 का, हाईएस्ट स्कोर है 224 का, लोएस्ट स्कोर है 127 रन का। वही अगर बात करें यहाँ पे दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की, जो कि वीडियो का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे बिल्कुल ही मिस मत किया कीजिएगा। दोनों टीमों की टीम एनालिसिस की बात करें, चेन्नई सुपर किंग की टीम हो या राजस्थान रॉयल्स की टीम, दोनों टीमों की ओपनिंग हिस्सा मुझे मजबूत लग रही है। मिडिल ऑर्डर में दोनों टीमें स्ट्रांग है, बैटिंग डेप्थ दोनों टीमों का एवरेज है, पेस बॉलिंग में दोनों टीमें स्ट्रांग है, स्पिन बॉलिंग में जो है मुझे दोनों टीमें एवरेज टाइप की ही लग रही है। बात करें यहाँ पे आईपीएल 2024 के लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल के बारे में, तो आपको बता दूं राजस्थान रॉयल्स की टीम इस पॉइंट्स टेबल नंबर 2 पे है, चेन्नई सुपर किंग की टीम इस पॉइंट्स टेबल नंबर 4 पे है। राजस्थान रॉयल्स की टीम जो आईपीएल 2024 में टोटल 11 मैच खेली है, 8 मैच जीती है, 3 मैच यहाँ पे केवल हारी है। बात करें चेन्नई सुपर किंग की टीम की, आईपीएल 2024 में टोटल 12 मैच खेली है, 6 मैच जीती है, 6 मैच यहां पे हारी है। आपको बताओ चेन्नई सुपर किंग के लिए मुकाबला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तभी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम जो है प्लेऑफ में क्वालिफाई जो है कर पाएगी, हारती है ये भी सीधा बाहर हो जाएगी। चलिए थोड़ा थोड़ा इस मैच के पिच रिपोर्ट के बात कर लेते हैं। पिच रिपोर्ट की बात कर दे, ये जो मैच है चेन्नई सुपर किंग के होम ग्राउंड एम चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में जो है ये मैच खेला जाने वाला है। एवरेज स्कोर की बात करें तो अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा, एवरेज स्कोर जो है आपको 200 के आसपास का देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं इस स्टेडियम में जो है 200 बनने के बाद जो है 200 स्कोर चेस भी हो जाता है अगर यहाँ पे बॉलिंग अच्छी नहीं होती है तो। बाकी आपको बता चेन्नई सुपर किंग का जो है अपने होम ग्राउंड चिदंबरम में रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लगभग 70% मैचेस जो है चेन्नई सुपर किंग की टीम अपने होम ग्राउंड पे जीतती है। और राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी तक 8 मैच इस स्टेडियम में खेली है और ओनली जो यहाँ पे 28% जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम का विनिंग परसेंटेज रहा है, जिससे आप समझ ही सकते हो राजस्थान रॉयल्स की टीम का रिकॉर्ड इस स्टेडियम में इतना अच्छा खासा है नहीं। तो आशा कर दोनों टीमों का सारा रिकॉर्ड आपको अच्छे समझ लग गया होगा। बात करते मेरे यहाँ पे जो है पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले आप जरा जाकर देख लो अभी तक आपने जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो फटाफट जाओ जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल ही फ्री में मैच का प्रेडिक्शन दे दिया जाता है। और जैसे कि आपको पता ही होगा इस मैच के बाद भी बहुत सारे मैचेस आने वाले हैं, बहुत सारे आईपीएल के मैचेस ही आने वाले हैं। अगर आपको सही मैचों का प्रेडिक्शन बिल्कुल ही फ्री में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे इन सारे मैचेस में, तो जाओ जाके ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे अफरीदी भाई के बारे में। अगर आप भी टॉस और मैच पढ़ना चाहते हो तो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर आपको स्क्रीन पर और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनका काम बहुत ही अच्छा है तो कॉन्टेक्ट जाए कर सकते हो।
चलिए बात करते हैं मेरे यहाँ पर्सनल मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो आपको बता दूं यहाँ पे दोनों टीमों का टीम कंपैरिजन और टीम एनालिसिस करने के बाद जहां तक मुझे लगता है इस मैच में कौन आपको जो है चेन्नई सुपर किंग की टीम आपको इस मैच को जीतती हुई दिखाई दे सकती है। बट आपको बता दूं ये मेरा मैच का फाइनल वेट नहीं है, क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है मैच शुरू होने से पहले मैच कोई बड़ी खबर आ जाती है जिस कारण जो है मैच का प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैच का फाइनल अपडेट, मैच का फाइनल प्रेडिक्शन जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा मैच शुरू होने से पहले। तो जिन लोगों ज्वाइन नहीं किए जाके ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। लेकिन टेलीग्राम पर जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।